एपिसोड की स्टार्ट में सुन वू द्योक सुन जुंगफान और डोंग रियोंग ताइक के बर्थडे के लिए इकट्ठा होते हैं। वो सभी लोग मिलकर ताइक का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और अपनी पर्सनल लाइफ डिस्कस करते हैं। साथ ही में मिलकर वो सभी लोग अपने पुराने दिनों को भी याद करते हैं। जुंगफान के घर पर सारे पेरेंट्स की भी अलग से पार्टी चल रही थी। सुनवू के मॉम और त्याग के डैड की अब तक शादी हो चुकी थी। पार्टी के दौरान वो सभी पेरेंट्स मिलकर अपने बच्चों की डेटिंग लाइफ डिस्कस कर रहे थे। तेग के पेरेंट्स उन सभी को बताते कि वो लोग चाहते हैं कि तेग किसी नॉर्मल लड़की को ही डेट करे और उसी से शादी करे। उधर तेग की बर्थडे पार्टी में उसके सारे फ्रेंड्स मिलकर उसका मजाक उड़ा रहे थे, क्योंकि वो बहुत लड़कियों को डेट करता था और वो लड़कियाँ कुछ समय बाद उसे डंप कर देती थी, क्योंकि तेग को ज्यादा बात करने की आदत नहीं थी। तेग की लव लाइफ डिस्कस करने के बाद में उन सबकी कब आग लग जाती उन्हें पता ही नहीं चलता। अगले दिन बोरा की बेस्ट फ्रेंड उसकी ब्लाइंड डेट फिक्स करती है एक मेडिकल इंटर्न के साथ। बोरा उस डेट पर नहीं जाना चाहती थी, पर अपनी दोस्त का मन रखने के लिए वो उस डेट पर चली जाती है और अपनी दोस्त को वॉर्न भी करती है कि ये आखिरी बार है जब वो किसी लड़के के साथ में डेट पर जा रही है। उसी रात जुंगवान की मॉम उसका दरवाजे पर खड़े होकर वेट कर रही थी। जुंगवान अपने करियर की वजह से ज्यादा टाइम अपनी फैमिली के साथ में स्पेंड नहीं कर पाता था और यही बात उसकी मॉम को बिल्कुल पसंद नहीं थी, क्योंकि अगर जुंगवान के पास में फ्री टाइम होता भी तो वो अपने दोस्तों के साथ उसे बिताता था। डोंगरियोंग के रेस्टोरेंट में सारे दोस्त इकट्ठा होने वाले थे। जुंगवान वहाँ पर सबसे पहले आता है और डोंगरियोंग उससे उसकी लव लाइफ के बारे में पूछता है। वो उससे ये भी कहता है कि ग्रेजुएशन के बाद में तुमने जो रिंग ली थी वो आज तक किसी लड़की को दी भी या नहीं। तो इसके जवाब में जुंगवान उससे कहता है कि ये रिंग किसी स्पेशल वन के लिए है। मजाक मजाक में डोंगरियोंग वो रिंग जुंगवान से मांगने भी लगता है ताकि वो शादी करके सेटल हो सके, पर जुंगवान उसे वो रिंग देने से मना कर देता है। उधर तेग जब डोंगरियोंग के रेस्टोरेंट आने के लिए निकल ही रहा था तो उसे उसके मैनेजर की गर्लफ्रेंड से पता चलता है कि द्योक सुन उसके जूनियर को डेट कर रही है। दरअसल उस मैनेजर की गर्लफ्रेंड भी एक एयर होस्टेस थी और वो भी उसी एयरलाइंस में काम करती थी जहाँ पर द्योक सुन थी। गेटिंग बैक टू द सीन, त्याग को ये बात सुनकर बहुत ज्यादा जेलस फील होता है। सारे दोस्त जब रेस्टोरेंट पहुँचते हैं तो वो द्योक सुन का मजाक उड़ाने लगते हैं पुराने समय की तरह और अपनी ड्रिंक्स एंजॉय करते हैं। घर आते वक्त डोंगरियोंग ने इतनी पी ली थी कि उससे ढंग से चला भी नहीं जा रहा था, तो तेग और जुंगवान उसे सहारा देते हैं। डोंगरियोंग के घर के अंदर जाने के बाद में अचानक से द्योक्सुन का पैर किसी चीज में अटक जाता है और वो गिरने वाली होती है, पर तभी जुंगवान और ताइक उसे साथ में गिरने से बचा लेते हैं। उधर जुंगबोंग को लकीली इंटरनेट के जरिए मैगी मिल जाती है एक चैट रूम में। मैगी के साथ थोड़ी देर बात करके जुंगबोंग को बहुत अच्छा लगता है और वो दोनों ही अपनी नेक्स्ट डेट फिक्स करते हैं। अगले दिन द्योक्सुन को उसी लड़के का कॉल आता है जिसके साथ वो डेट पर जाने वाली थी। कॉल के जरिए वो लड़का द्योक्सुन को बताता है कि आज वो डेट पर नहीं आ पाएगा। द्योक्सुन इस बात से बहुत ही ज्यादा निराश होती है, पर तभी उसकी मॉम से ग्रोसरी शॉपिंग के लिए भेजती है। घर से बाहर निकलते ही द्योक्सुन को डोंगरियोंग चिढ़ाने लगते ये कहकर कि आज वो फिर से डंप हो गई, पर द्योक्सुन उससे कहती है कि ऐसा कुछ नहीं और वो कॉन्सर्ट ही जा रही है। डोंगरियोंग को द्योक्सुन की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था तो द्योक्सुन उससे कहती है कि अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम ही मुझे कॉन्सर्ट में छोड़ दो। डोंगरियोंग द्योक्सुन की बात मान लेता है और उसे कॉन्सर्ट में ले जाता है। वहां खड़े जुंगवान और ताइक का चेहरा द्योक्सुन को कॉन्सर्ट में जाता देख मायूस सा हो जाता है। उधर डोंगरियोंग की गाड़ी में द्योक्सुन इस बात से परेशान थी कि उसने डोंगरियोंग से झूठ तो कह दिया पर आगे वो कॉन्सर्ट में जाकर करेगी क्या। द्योक्सुन को कॉन्सर्ट हॉल छोड़ने के बाद जुंगवान और डोंगरियोंग मूवी देखने जाते हैं। थिएटर में उन्हें वही लड़का मिलता है जो कि द्योक्सुन के साथ डेट पर गया था। वो लड़का वहां पर अपनी दूसरी गर्लफ्रेंड के साथ आया था। जुंगवान और डोंगरियोंग को समझ आ जाता है कि उस लड़के ने द्योक्सुन को चीट किया है और द्योक्सुन भी सिर्फ अपनी इज्जत रखने के लिए अकेले ही कॉन्सर्ट में चली गई ताकि उसकी अपने दोस्तों के सामने नाक न कट जाए। थिएटर में मूवी स्टार्ट होती है पर जुंगवान का पूरा ध्यान द्योक्सुन पर ही होता है। वो मूवी देखते वक्त भी पूरा टाइम सिर्फ द्योक्सुन के बारे में ही सोच रहा था। अचानक से ही जुंगवान मूवी थिएटर से भागते हुए अपनी गाड़ी की तरफ जाता है और वहां से द्योक्सुन को कॉन्सर्ट से पिकअप करने के लिए निकल जाता है। जुंगवान के हाव भाव देखकर हमें ऐसा लग रहा था कि आज वो द्योक्सुन को प्रपोज कर ही देगा, पर बदकिस्मती से जब वो कॉन्सर्ट हॉल पहुंचता है वहां पर त्याग ऑलरेडी द्योक्सुन के साथ था। जुंगवान को त्याग को वहां पर देखकर बहुत बुरा लगता है और वो उन दोनों से बगैर मिले ही वापस चला आता है। पूरे रास्ते जुंगवान बस यही सोच रहा था कि शायद उसकी किस्मत में द्योक्सुन नहीं है। उधर मैगी और जुंगबोंग भी डेट पर जाते हैं। जुंगबोंग मैगी को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश था और बोरा की डेट भी कोइंसिडेंटली सुनवू के साथ ही होती है। बोरा सुनवू से कहती भी है कि वो सारे गिले शिकवे भुलाकर क्या फिर से नई शुरुआत नहीं कर सकते। बोरा सुनवू से ये भी कहती कि इतने सालों में उसने सुनवू को बहुत मिस किया। उसकी ये कहने पर सुनवू उसे कोई जवाब नहीं देता। उधर जुंगवान को रेडियो के जरिए पता चलता है
कि त्याग ने अपनी करियर की पहली बादुक मैच बीच में ही छोड़ दी और अपने अपोनेंट को सॉरी बोलकर वहां से चला आया। मतलब ताइक ने द्योकसुन के लिए अपनी मैच छोड़ी थी। अगले दिन सभी लोग जुंगवन के लिए फेयरवेल पार्टी रखते हैं क्योंकि वो जल्दी अपनी एयरफोर्स में लौटने वाला था। पार्टी में ताइक को छोड़कर सभी लोग आ चुके थे। पार्टी में डोंग रियोंग जुंगवन से पूछता है वो अपनी फियांसे रिंग तो लेकर आया है ना, तो जुंगवन उससे कहता है कि हाँ आज मैं लेकर आया हूँ। डोंग रियोंग को लग रहा था कि जुंगवन उसे वो रिंग देने वाला है, पर तभी जुंगवन उसका बबल बर्स्ट करते हुए कहता है तुम्हें ये रिंग देने का मतलब इस रिंग की बर्बादी होंगी। जुंगवन की ये बात सुनकर डोंग रियोंग और सुनू दोनों ही उससे कहते कि उसके मरने से पहले उसे ये रिंग अपने पहले प्यार को दे देनी चाहिए ताकि उसे मरने के बाद कोई रिग्रेट ना हो। जुंगवन उन दोनों की बातों पर मुस्कुराता है और द्योकसुन के सामने वो रिंग रखता है और द्योकसुन से कहता है कि मैं ये रिंग तुम्हें तभी देने वाला था जब हम ग्रेजुएट हुए थे। जुंगवन द्योकसुन से ये भी कहता है कि वो उसे बहुत पसंद करता है। वो द्योकसुन को सारी बातें बताता है, जैसे कि कैसे वो द्योकसुन के घर के बाहर खड़े होकर उसके बाहर आने का वेट करता था और उसकी लाइब्रेरी से घर आने तक की जागता था ताकि उसे भी पता चले कि द्योकसुन सुरक्षित घर पहुंच चुकी है। वो द्योकसुन से ये भी कहता है कि हर टाइम वो सिर्फ द्योकसुन के ही बारे में सोचता रहता था। द्योकसुन भी जुंगवन की बातें एक मुस्कुराहट के साथ सुन रही थी। जुंगवन जैसे ही द्योकसुन को आई लव यू बोलता है उसके 2 सेकंड बाद वो डोंग रियोंग से कहता है कैसा लगा मेरा मजाक। सब लोगों को लग रहा था कि जुंगवन ने द्योकसुन पर प्रैंक प्ले किया है, पर सिर्फ जुंगवन और हम लोग ही जानते हैं कि ये जुंगवन की ट्रू फीलिंग्स थी। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि जुंगवन द्योकसुन को पहले से ही पसंद करता था। हमें वो सीन्स भी दिखाए जाते हैं जहाँ पे जुंगवन द्योकसुन के लिए गिफ्ट लाया था। बैक इन प्रेजेंट वो चारों ही घर चले जाते और जुंगवन उस रिंग को टेबल पर ही छोड़ देता है और इसी सीन के साथ एपिसोड खत्म होता है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। सी या।